सो आज के इस वीडियो में आप टाटा हैरियर के बारे में सारी चीजें, यानी कि इंजन स्पेसिफिकेशन से लेके डाइमेंशंस, फीचर्स एंड इक्विपमेंट्स, और वो सारी चीजें जो आपको टाटा हैरियर में कोई भी कंफ्यूजन होगा वो डाउट क्लियर करने के लिए जाननी जरूरी हो, वैसी सारी चीजें इस वीडियो में जान जाएंगे। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इनपोज के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी। फाइनली हैरियर अब हमारे सामने है। बहुत सारे रिव्यूज वगैरह आप सब ने देख लिए होंगे, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि कौन सा वेरियंट हैरियर में फाइनल किया जाए। सो हम स्टार्ट करेंगे बिना कोई टाइम गवाए। सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशंस, प्लेटफॉर्म और डायमेंशन जैसे फैक्टर्स के ऊपर बात करते हुए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार में दिए गए प्लेटफॉर्म के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इससे पहले बनाया हुआ है। सो टाटा हैरियर बेसिकली D8 आर्किटेक्चर, जो कि लैंड रोवर का D8 आर्किटेक्चर है, जिसको ओमेगा के नाम से जाना जाता है। और ओमेगा का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ऑप्टिमल मॉड्यूलर एफिशिएंट ग्लोबल एडवांस्ड आर्किटेक्चर कहा जाता है। इस आर्किटेक्चर की खासियत यह है कि लैंड रोवर भी अपनी कार्स में इसी आर्किटेक्चर का यूज करते हैं, और आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है कि लैंड रोवर की कार्स SUVs जो रहती है वो किस तरह की कैपेबिलिटीज के साथ आती है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार में दिए गए इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इंजन यहाँ पे दिया है क्रायोटेक 2.0 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 140 PS का पावर, 3750 RPM पे और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1750 से लेके 2000 RPM के बैंडविड्थ में। इसके बाद बात करते हैं 1956 cc के 4 सिलेंडर इंजन से मेट किए गए हैं यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को। यस, फिलहाल के लिए तो सिर्फ और सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही अवेलेबल है। अब अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे लेंथ है 4598 mm की, विड्थ है 1894 mm की और हाइट है 1706 mm की। व्हील बेस अगर इस कार का देखें तो 2741 mm का बहुत ही कमाल का व्हील बेस यहाँ पे दिया गया है। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस कार का अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm का। बूट स्पेस 425 लीटर की जबरदस्त बूट स्पेस दी गई है, और इतना ही नहीं यहाँ पे रियर सीट्स को अगर हम फोल्ड कर दें तो 810 लीटर्स की बूट स्पेस की तरह आप रियर स्पेस यूज कर सकते हैं। फ्रंट में इस कार में डिस्क ब्रेक दी गई है और रियर में ड्रम ब्रेक आती है। सस्पेंशन देखें तो इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैकफर्सन स्ट्रीट विद कॉल स्प्रिंग एंटी रोल बार के साथ आने वाले फ्रंट सस्पेंशन और सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट ब्लेड विद पेनहार्ड रोड एंड कोयल स्प्रिंग के सस्पेंशन रियर में दिए गए। इस सस्पेंशन की अगर मैं डिटेल में बात करूं तो ये सस्पेंशन SUVs में जिस तरह के सस्पेंशन होने चाहिए उससे भी दो स्टेप आगे के सस्पेंशन कहे जा सकते हैं, जहां तक बात रहती है इस सेगमेंट की कार्स में दूसरी कार्स में मिलने वाले सस्पेंशन के कंपेयर करने के साथ। टायर्स की अगर हम बात करें तो टायर्स में यहां पे दो साइजेस में ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें XE और XM, जिसमें 235/70 R16 के स्टील रिम्स दी गई है, और XT और XZ जो टॉप एंड वेरिएंट्स कह सकते हैं उनमें 235/65 R17 के एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ये एक अच्छी बात है। स्पेयर व्हील की अगर बात करें तो स्पेयर व्हील में यहाँ पे 235/70 R16 का स्पेयर व्हील आपको मिलेगा। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 50 लीटर्स की। सो आई होप कि आपको अब डायमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशंस और दूसरे इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा। ऑलराइट, सो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के साथ साथ आपके फीचर्स एंड इक्विपमेंट्स के कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि कौन से वेरिएंट्स में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाने वाले हैं। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया यहां पे चार वेरिएंट्स आपके साथ आपके पास अवेलेबल है, XE, XM, XT और XZ। सो यहां पे XE से लेके
टॉप एंड वेरिएंट तक सेफ्टी फीचर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कमी नहीं रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं XE में ड्यूअल एयरबैग है, ABS विद EBD, पार्किंग सेंसर्स, स्पीड सेंसिटिव डोर लॉक्स है, सीट बेल्ट रिमाइंडर है, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, LED टेल लैम्प्स भी अवेलेबल है। 16 इंच की स्टील व्हील्स है जैसे मैंने आपको बताया, पावर एडजस्टेबल विंग मिरर्स, 4 इंच की मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले आ जाएगी, मैनुअल AC और 4-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आएगी। इसी के साथ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है और रियर AC वेंट्स भी आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेरिएंट में। अब देखते हैं XM में बेसिक वेरिएंट के एडिशन में आपको क्या मिल रहा है। सो बेसिक वेरिएंट के एडिशन में XM में आपको मिलेगा, फ्रंट में फोग लैंप आ जाएगा, रियर में पार्सल शेल्फ आ जाएगा जो रियर की बूट स्पेस को कवर कर देगा और आपका लगेज वगैरह जो भी है वो बाहर से दिखेगा नहीं। इसके साथ यहाँ पे 7 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दी गई है जो कि 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स के साथ आने वाली है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आपको इसी वेरिएंट में मिल जाएंगे, USB विद ऑक्सिलरी ब्लूटूथ एंड बहुत सारे होस्ट ऑफ डिफरेंट फीचर्स के साथ कंपेटिबल ऐसी एक सिस्टम आपको इस कार में मिल जाएगी XM वेरिएंट में। और तो और एडिशनली XM से ही आपको मल्टी ड्राइव मोड भी मिल रहा है जैसे कि इको है, सिटी है, स्पोर्ट्स है। और इन मल्टी ड्राइव मोड्स के बारे में मैंने जीप कंपास के एक वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, वरना अभी आपको ये चीज़ें नहीं जाननी है तो मेरे आने वाले हैरियर के रिव्यू वीडियो में आप ज़रूर जान जाएंगे, उस रिव्यू वीडियो का वेट ज़रूर करिएगा क्योंकि ड्राइविंग से रिलेटेड सारे फीचर्स जो रहते हैं वो ड्राइविंग करते हुए बताने में कुछ और ही मज़ा आता है, आपको देखने में और समझने में कुछ और ही मज़ा आता है। अब बात करते हैं और क्या फीचर्स है। यहाँ पे रिमोट सेंट्रल लॉकिंग जो है वो आ जाएगा, 6-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आ जाएगी जिसमें जो बेसिक वेरिएंट में थी वो 4-वे एडजस्टेबल थी। फॉलो मी हेडलैम्प्स है, रियर वाइपर्स है और बूट लैंप आपको इस XM वेरिएंट में मिल जाएगा। अब XM में इतना मिल रहा है तो देखते हैं XT में आपके पास क्या बचता है देखने के लिए। ड्यूअल फंक्शन LED DRLs है यहाँ पे, ये अच्छी बात है। इसको मैं अगर पॉसिबल होगा तो जल्द से जल्द मेरी इंस्टाग्राम में आपको मैं एक स्टोरी के थ्रू समझा दूंगा कि किस तरह से ये काम करते हैं। 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। XT और XZ दोनों वेरिएंट में आपको 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। ऑडियो सिस्टम विद 4 स्पीकर एंड 4 ट्वीटर्स, जिस अगले वेरिएंट में आपको 2 ट्वीटर्स मिल रहे थे उसके अलावा यहाँ पे 2 ट्वीटर्स एडिशनली ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पे इस सिस्टम में वीडियो प्लेबैक एंड इमेज डिस्प्ले वाया USB का भी फंक्शन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एंड SMS रीड आउट, अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो आपका SMS वगैरह सारी चीज़ें म्यूजिक सिस्टम से रीड आउट कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो आया है, एप्पल कार प्ले के लिए इन फ्यूचर एक अपडेट आने वाला है, उसमें आपको एप्पल कार प्ले का अपडेट भी मिल जाएगा। रियर में डीफोगर भी आ जाएगा, रिवर्स कैमरा, प्रीवियस वेरिएंट्स में यहाँ पे सिर्फ सेंसर्स अवेलेबल थे, यहाँ इस वेरिएंट से आपको XT वेरिएंट से रियर में कैमरा भी मिल जाएगा। इसी के साथ पुश बटन स्टार्ट, क्लाइमेट कंट्रोल, 8-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 8-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ध्यान से सुनिएगा, पावर फोल्डिंग एंड एडजस्टेबल विंग मिरर्स है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स इस XT में ही आपको मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट होता है। क्रूज कंट्रोल एक ऐसा फंक्शन है जिसके बारे में इस सेगमेंट के बायर्स ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं और उनको ये फंक्शन चाहिए होता है। इसके साथ जो सेंटर आर्मरेस्ट है फ्रंट में उसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस XT वेरिएंट से आपको कूल्ड स्टोरेज मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप अपने छोटे बेवरेजेस वगैरह की बॉटल्स को कूल कर सकते हैं। रियर में आर्मरेस्ट आ जाएगा विद कप होल्डर्स, तो रियर सीट में अगर आपको आर्मरेस्ट वगैरह चाहिए तो इस वेरिएंट को आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप शॉफर ड्रिवन है। यस, आपकी कार ज़्यादातर आपके ड्राइवर्स वगैरह चलाते हैं तो आप रियर सीट में बैठना पसंद करेंगे और रियर सीट का अगर आपको प्रॉपर कम्फर्ट चाहिए तो आर्मरेस्ट चाहिए होगा। इसके बाद हम देखते हैं टॉप स्पेक वेरिएंट यानी कि XZ में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि ऑलमोस्ट XT में सारे टॉप एंड के फीचर्स आ गए, अब देखते हैं बाकी क्या रहता है। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा, जेनोन HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं। फ्रंट में फॉग लैंप्स है विद कॉर्नरिंग फंक्शन, डिटेल बहुत सारी है।
शार्प फिन एंटेना, लेदर अपहोल्स्ट्री भी आपको इसी वेरिएंट में मिल जाएगी, जो कि सीट्स में आपको मिलेगी देखने को, और डोर पैनल्स, स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ्ट के नॉब पे भी लेदर अपहोल्स्ट्री का कवर जो होगा वो अवेलेबल रहेगा। इसके साथ 8.8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट आएगी, जो कि 9 JBL स्पीकर्स के साथ आएगी, जिसमें इंक्लूड होते हैं 4 स्पीकर, 4 ट्वीटर और 1 सबवूफर। दोस्तों यहाँ पे सबवूफर एक्सेड में आपको JBL की कंप्लीट सिस्टम के साथ सबवूफर दिया जा रहा है, तो म्यूजिक सिस्टम का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो इस एक्सेड वेरिएंट में कमाल का रहने वाला है। उसके साथ इतना ही नहीं, यही सिस्टम एम्पलीफायर से भी इक्विप्ड रहेगी, तो आपको कार लेने के बाद अगर ये सारी चीज़ें करवानी है तो बेस वेरिएंट्स में मत जाइएगा, सीधा सीधा टॉप एंड वेरिएंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको कंपनी फिटेड सारे फिटमेंट्स मिल जाए। इसके बाद अगर हम देखें तो 7 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दी गई है, टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स दिए गए हैं, जिसमें नॉर्मल, वेट एंड रफ मोड्स है। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग्स यहाँ पे अवेलेबल है एक्सेड वेरिएंट्स में, और इन एयरबैग्स में ड्राइवर के साथ साथ को ड्राइवर, साइड और कर्टेन एयरबैग्स जैसी एयरबैग्स शामिल है। इसी के साथ ESP, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स के माउंट, हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, जो चीज मैंने XUV के रिव्यू वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी वही चीज यहाँ पे टाटा ने हैरियर में दे दी है। कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, ट्रैक्शन कंट्रोल है और हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट जैसे फंक्शन इसके साथ अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, अगर रियर की सीट में आपको ज़्यादा कन्वीनियंस चाहिए स्टोरेज के डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे आपके पास 60-40 की स्प्लिट सीट का सिलेक्शन अवेलेबल है, जो एक बहुत अच्छी बात है। सो आई होप के इन चारों वेरियंट्स के सारे बड़े बड़े फीचर्स जो थे, बड़े बड़े चेंजेस थे, वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। जैसे ही मेरे पास फाइनल प्राइसिंग वगैरह आ जाएगी, जो कि ऑफिशियल सोर्सेज से मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तब हो सकता है शायद फाइनल प्राइसिंग लाइव हो चुकी हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया हो। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन को प्रेस किए बिना कहीं मत जाइएगा। इतना ही नहीं, आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स अगर इंटरेस्टेड है हैरियर को परचेज करने के लिए, तो उनको ये वीडियो अगर आप शेयर कर देंगे, तो वो इस वीडियो में जो भी फीचर्स मैंने वेरियंट्स वाइज एक्सप्लेन किए हैं उनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके हेल्प ले सकते हैं इस वीडियो की अपनी फाइनल मॉडल, अपने फाइनल वेरिएंट को सिलेक्शन करने में, तो उनकी भी हेल्प होगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप हर रोज़ अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा और वो बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर संडे की रात को 9 बजे जब मैं लाइव आऊँ, तब आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सके और मैं आपको एट अ टाइम आंसर दे पाऊँ। सो इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसे किसी इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।